नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मतदान के दूसरे दिन इस बार आ जाएगा पंचायत चुनाव का परिणाम। बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट हुआ जारी। बिहार के सरकारी कर्मियों के ऑनलाइन हाजिरी की मांगी गई रिपोर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सरकारी स्कूल की छात्रा का हुआ चयन। अब ट्रेन में बैठे बैठे दर्ज करा सकते हैं FIR। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मतदान के दूसरे दिन इस बार आ जाएगा पंचायत चुनाव का परिणाम। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव के परिणाम की घोषणा वोटिंग के अगले दिन ही करने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो पहले चरण के मतदान और मतगणना के बाद उन EVM को तीसरे चरण की वोटिंग के लिए संबंधित बूथों पर भेज दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे चरण की मतगणना के बाद EVM को चौथे चरण की चुनावी प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा, यानी कि मतगणना के बाद EVM का अगले चरण के चुनाव में उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण वाले EVM का तीसरे, पांचवे, सातवें और नौवे चरण में उपयोग किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण वाला EVM का चौथे, छठे, आठवें और दसवें चरण में उपयोग किया जाएगा, जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का आयोजन सितंबर अक्टूबर महीने में करने की तैयारी कर रही है। बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट हुआ जारी। IMD पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के वेस्ट चंपारण, सिवान, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली में कई स्थान पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में एक या दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद के साथ ही दक्षिण मध्य बिहार के बेगूसराय, गया, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और दक्षिण पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में COVID-19 के मिले 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 165 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1972 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 2, भोजपुर में 1, दरभंगा में 9, ईस्ट चंपारण में 3, गया में 2, गोपालगंज में 7, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 4, किशनगंज में 5, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 6, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 8, पटना में 19, पूर्णिया में 11, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 11, सारण में 25, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, वैशाली में 5, वेस्ट चंपारण में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 84,999 सैंपल की जाँच की गई। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 330 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के सरकारी कर्मियों के ऑनलाइन हाजिरी की मांगी गई रिपोर्ट। बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था नहीं होने से लगातार सरकारी कर्मियों के गायब रहने की सूचना मिलती रही है, जिसके बाद ही कार्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का आदेश जारी किया गया था। इस बात पर गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी की स्थिति की जानकारी मांगी है। इस बाबत बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों की हाजिरी को लेकर सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव और DGP को पत्र लिखा है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने को लेकर 20 नवंबर 2019 को आदेशित किया गया था। समय समय पर आदेश दोबारा जारी करने के बाद भी अब सभी विभागाध्यक्षों से AEBAS के संबंध में अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग बैंक में निकाली गई 86 पदों पर भर्तियां। नाबार्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सब्सिडियरी कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फॉर्म सेक्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों के लिए प्रोजेक्ट आधारित कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार नैनीताल बैंक के मुंबई स्थित हेड ऑफिस और 24 रीजनल ऑफिस में सीनियर लेवल कंसल्टेंट, मिडिल लेवल
कंसल्टेंट और इन्यूमरेटर्स के कुल 86 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नाबार्ड नेपकॉन्स में कंसल्टेंट पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट nabcons.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और उम्मीदवार 10 जुलाई 2021 तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा नहीं ला सकेंगे अविश्वास प्रस्ताव। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन पंचायत प्रमुख को लेकर अपना फैसला सुनाया है, जिसके तहत पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके बाद अब दोबारा प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं होगी। जानकारों की माने तो इस साल पंचायत चुनाव का आयोजन सितंबर अक्टूबर महीने में करवाया जा सकता है, जिसको लेकर बिहार में तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। इस बाबत ही हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की थी। बैठक में ही चुनाव के आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्र की। सत्यपाल चंद्र एक भारतीय लेखक और उद्यमी हैं। वो मैकटैप टेक्नोलॉजी और आउटलैंडर्स मीडिया के संस्थापक हैं। उन्होंने विभिन्न शैलियों के उपन्यास लिखे हैं। वो बिहार के गया जिले में स्थित एक दूरदराज के गांव मल्हारी के रहने वाले हैं। वो बहुत छोटे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। गरीबी और विभिन्न प्रकार की हिंसा जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए उनका बचपन बहुत कठिन था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा SS हाई स्कूल पांडुपुरा चतरा झारखंड में स्थित एक सरकारी स्कूल से पूरी की थी। उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया बिहार से पूरी की है। बिहार के पर्वतारोहियों का हुआ भव्य स्वागत। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। समय समय पर बिहारी प्रतिभाओं ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। इसी कड़ी में बिहार के नालंदा जिले के 3 पर्वतारोहियों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतह पाकर तिरंगा लहराने वाले तीनों पर्वतारोहियों का बिहार शरीफ पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया गया। लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए फूलमालाओं से लाद दिया। दल के 3 सदस्य अभिषेक रंजन, प्रिया गुप्ता और गोपाल कुमार ने 19 जून को मनाली में चढ़ाई शुरू की थी और 23 जून को फतह पाया था। पटना हाईकोर्ट ने म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर दिया समय। बीते दिन की सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने गोपाल प्रसाद भारती की याचिका पर जस्टिस CS सिंह ने सुनवाई करते हुए म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन के मामले में सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद नगरपालिका भवन ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया, जिसको लेकर ही पटना हाईकोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है, जिसके परिणाम स्वरूप जारी किए गए अवधि में नगरपालिका भवन प्राधिकार का गठन नहीं किया गया तो हाईकोर्ट सख्त कार्रवाई भी करेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सरकारी स्कूल की छात्रा का हुआ चयन। हाल ही में हार्वर्ड ने 7 प्रतिभागियों का चयन किया है, जिसमें बिहार से केवल प्रतीक्षा सिंह का चयन हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गया की बेटी प्रतीक्षा सिंह को सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट के बेहतर डिजाइन ईजाद करने को लेकर चुना गया है, जिसके बाद अब बिहार की बेटी प्रतीक्षा की प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी और सराही जा सकेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ समय पहले गया जिला स्कूल में संचालित अटल टिंकरिंग लैब में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की देखरेख में सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ही प्रतीक्षा के क्रिएटिव डिजाइन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सराहा है। 11वीं के मार्कशीट अपलोड करने के लिए CBSE बोर्ड ने जारी किए निर्देश। CBSE बोर्ड की तरफ से देश भर के स्कूल से यह कहा गया है कि वो सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट तैयार करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अपने 11वीं के छात्रों का मार्कशीट 30 जून तक अपलोड कर दे, साथ ही प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के मार्क्स को 5 जुलाई तक अपलोड कर दे। इससे पहले ही बोर्ड ने 12वीं के परीक्षा परिणाम को जारी करने के लिए निर्धारित इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के जरूरी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को अपलोड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टैबुलेशन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। इसके साथ ही स्कूलों को अपने स्टूडेंट्स के इंटरनल असेसमेंट के अंकों को टैबुलेशन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जारी समय सीमा के अनुसार स्टूडेंट्स के विवरणों को 28 जून तक कंफर्म करने के लिए पहले ही कहा था। 30 जून को पटना आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश। अपने दोनों आंखों की सफलतापूर्वक ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जल्द ही राजधानी पटना आने वाले हैं। सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 30 जून को दिल्ली से सीएम नीतीश बिहार आएंगे। उस तारीख तक ऑपरेशन के बाद उनकी आंख नॉर्मल हो जाएगी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन उनकी आंख का किया गया है। 22 जून को नीतीश कुमार सांसद सुनील कुमार पिंटू के साथ विशेष विमान से दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, जिसके तहत बार बार जदयू की तरफ से पेश की गई सफाई के बावजूद विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं। हालांकि विपक्ष के ये सभी दावे निराधार निकले।
अब ट्रेन में बैठे बैठे दर्ज करा सकते हैं FIR। अक्सर सफर के दौरान कई लोगों को आपराधिक घटना का सामना करना पड़ता है। हालांकि यात्रियों को इसकी शिकायत करने के लिए अब तक आगे आने वाले स्टेशन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आने वाले समय में यात्रियों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आने वाले स्टेशन का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि FIR दर्ज करने के लिए रेलवे जल्द ही एक मोबाइल ऐप को रोल करने जा रहा है, जिसकी मदद से ऑन स्पॉट अब यात्री किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सभी राज्यों की रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के साथ मिलकर इस ऐप को तैयार किया गया है। अब इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। राजद की तरफ से रामविलास पासवान की जयंती मनाने पर मंगल पांडे ने कसा तंज। 5 जुलाई को जहां एक तरफ राजद अपना स्थापना दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ लोजपा में शुरू हुए पारिवारिक कलह के बाद राजद ने रामविलास पासवान की जयंती मनाने का निर्णय भी लिया है, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, जिसके तहत अब इस मुद्दे को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, साथ ही पार्टी को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ये सब लाभ और दिखावे के लिए कर रहे हैं, कभी भी वरिष्ठ के प्रति भाव सम्मान का होना चाहिए। रामविलास पासवान हम लोग के सम्मानित और आदरणीय नेता थे। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही उनका स्नेह मिलता था। उनके नाम पर राजनीतिक लाभ हानि के लिए कार्यक्रम का आयोजन नहीं करना चाहिए। बिहार के पर्यटकों के लिए मंदार पर्वत पर जाना होगा अब आसान। बिहार में पर्यटन की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बांका जिले में मंदार पर्वत पर बन रहा रोपवे का काम लगभग पूरा हो गया है, जिसके बाद फिलहाल विद्युतीकरण का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसके बाद अगले महीने इसके उद्घाटन की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन विभाग राजगीर और मंदार के बाद 6 अन्य पर्यटन केंद्रों पर भी रोपवे लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें रोहतासगढ़ किला, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, जहानाबाद में बनावर पर्वत पर रोपवे का निर्माण होना है। इसके अलावा गया में 3 स्थलों पर रोपवे का निर्माण होना है। इसमें प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनी पर्वत का नाम शामिल है। बिहार के 98% घरों को मिल रहा है पीने का साफ पानी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट हाल ही में साझा की गई है, जिसके तहत रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 98% घरों में पेयजल का स्वतंत्र स्रोत है। इसके जरिए आपूर्ति होने वाला पानी साफ और पीने लायक है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट पर जिन 5 राज्यों को इस मोर्चे पर शीर्ष रखा गया है, उसमें बिहार को 3रा नंबर मिला है। वहीं उसके ऊपर पंजाब का स्थान है, शीर्ष पर चंडीगढ़ है जो कि केंद्र शासित है। राज्यों की तुलना करें तो बिहार का 2रा नंबर है। आबादी के हिसाब से देखें तो बड़े राज्यों की सूची में बिहार अव्वल आया है। बिहार के चर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल और एजाज अहमद को राजद में मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजद ने अपने प्रवक्ताओं की टीम में पार्टी के 2 अन्य वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है, जिसकी जानकारी प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने दी है, जिसके तहत राजद की तरफ से एजाज अहमद और ऋतु जायसवाल को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एजाज अहमद पहले भी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं, वहीं ऋतु जायसवाल विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिला के परिहार विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं। पटना जंक्शन पर शुरू हुई ट्रैवल डेस्क, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है, जहां से यात्री 24 घंटे गाड़ी बुक करवा सकते हैं। हालांकि इस डेस्क को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको नंबर खंगालने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका नंबर सभी प्रमुख ट्रेनों की बोगियों पर पहले से ही लिखा रहेगा, जिसके तहत अब कोई भी यात्री आसानी से अपने मोबाइल के इस्तेमाल से डेस्क को फोन कर अपने लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहां से बुक होने वाले सारे वाहनों में GPS लगा होगा तथा ये पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे। इस कारण अकेली महिला को भी अपने घर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहां से शहर के किसी भी मोहल्ले में जाने का अधिकतम किराया 500 रुपए तथा न्यूनतम किराया 150 रुपए तय किया गया है। लालू प्रसाद यादव ने पेट्रोल के शतक जड़ने पर नीतीश कुमार पर कसा तंज। इन दिनों पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पेट्रोल के दाम को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के डबल इंजन सरकार को बधाई। डबल पावर के दम पर डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में 100 रुपए पेट्रोल करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल रहा है। पिछले कुछ महीने की बात करें तो एक दिन भी कच्चे तेल की कीमत नीचे नहीं गई, बल्कि हर दूसरे दिन कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी ही देखी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जदयू के उतरने की खबरों पर राजद ने कसा तंज। जदयू ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जारी राजनीतिक उठापटक के बीच जदयू ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत तो दिए ही हैं, साथ ही भाजपा से बातचीत जारी रखने की बात भी कही गई है। इन सब के बीच अब राजद ने जदयू के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तंज कसा है, जिसके तहत राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पहले भी कई राज्यों में जदयू चुनाव लड़ चुका है, लेकिन उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बची है।
हाल ही में बंगाल में हुए चुनाव में इसका उदाहरण देखने को मिला था। बिहार में ही जब उनकी पार्टी 43 सीट लाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई तो भला यूपी में जाकर क्या कर लेंगे। इस बाबत उन्होंने आगे कहा कि जदयू चाहती है कि दबाव बनाकर भाजपा के साथ गठबंधन में कुछ सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा भी इनका चाल समझती है। नीतीश कुमार कहीं नहीं लड़ेंगे, सिर्फ दबाव बना रहे हैं। के 100 अच्छे मेडिकल शिक्षण संस्थानों की सूची में शामिल हुआ एम्स। अमेरिका की एक पत्रिका सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की तरफ से हाल ही में सर्वे कराया गया था, जिसमें दुनिया के 100 अच्छे मेडिकल शिक्षा संस्थानों की सूची जारी की गई है। भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होगी कि सूची में दिल्ली एम्स को 23वां स्थान मिला है। इतना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन मेडिकल स्कूल से बेहतर रैंक एम्स को मिला है। वहीं बाकी शीर्ष स्थानों पर अमेरिका के मेडिकल कॉलेज ने कब्जा किया है। वहीं सूची में पहले स्थान पर अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और दूसरे स्थान पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को रखा गया है। कोरोना के जारी माहौल के बीच मोदी सरकार ने जारी की एक और राहत पैकेज। कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच बीते दिन मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को जबकि 60,000 करोड़ रुपए अन्य सेक्टर को दी जा रही है। इसके साथ ही 100 करोड़ तक का लोन 7.95% ब्याज पर दिया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना है। छोटे उधारदाताओं को लोन की सुविधा दी जाएगी। 11,000 टूरिस्ट गाइड को मदद दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1757 में मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब की गद्दी संभाली। 1888 में शास्त्रीय संगीत की पहली ज्ञात रिकॉर्डिंग की गई। 1997 में विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी में फ्रैंकफुर्ट चेस क्लासिक टूर्नामेंट जीता। 2005 में भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ। सचिन तेंदुलकर ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के दूसरे मैच में आंद्रे नील की गेंद पर वनडे करियर के 15,000 रन पूरे किए। मानव तस्करी की निगरानी सूची वॉच लिस्ट में 2011 में भारत को बाहर कर दिया गया। साइना नेहवाल ने 2014 में ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज आज ही के दिन जीती थी। टी20 विश्व कप को लेकर सौरभ गांगुली ने दिया बयान। आईसीसी टी20 विश्व कप के आयोजन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है, जिसके तहत बोर्ड की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि टूर्नामेंट का आयोजन भारत में नहीं करवाया जाएगा, जिसके बाद अब इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में करवाने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि हमने आधिकारिक तौर पर आईसीसी से इस बात की जानकारी दे दी है और टी20 विश्व कप को यूनाइटेड अरब अमीरात में शिफ्ट करा दिया गया है। इस बारे में आईसीसी को भी सौरभ गांगुली ने आधिकारिक रूप से जानकारी साझा कर दी है, जिसके बाद अब टूर्नामेंट की क्या तारीख होगी इसकी जानकारी आईसीसी ही साझा करेगा। हालांकि पिछले हफ्ते भी बीसीसीआई की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई थी कि जो भी होगा जल्द ही उसे बता दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,170 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,170 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 100.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, संजय कुमार, मुकेश कुमार, रुपेश कुमार, कमलेश कुमार, सुकेश कुमार, मोहम्मद महमूद, नीरज पासवान, आलोक कुमार, ऋतु कुमारी, गौतम कुमार, शंकर मुखिया, आयुषी कुमारी, रंजीत मेहता, कृष्णा कुमार, रवि कुमार, ब्रज कुमार रॉय। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ट्रेन में ही बैठे बैठे शिकायत करने की सुविधा मुहैया करवाने का फैसला आपराधिक मामलों को कम करने में मददगार साबित होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।